नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ जी मैम, कोई काम बनता ही नहीं मैम। नारायण नारायण बोलिए तीन बार। नारायण नारायण। एक बार और बोलिए नारायण नारायण। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मधुर आवाज है, बुद्ध अच्छा है, काम बनता नहीं बिल्कुल। क्यों घबरा रहे हो मित्र? व्यापार इतना चलेगा, काम इतना चलेगा, ट्रेडिंग करनी शुरू कर दो आप। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी से बता सकता हूँ मैं आपको। और जिसका बुद्ध अच्छा होगा वो इंसान जीवन में वाणिज्य के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, व्यापार में, ट्रेडिंग के क्षेत्र में कामयाब होता है सबसे ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग से बचे मित्र, एक से लेके 100 के बीच में कोई नंबर भी बोल दीजिए जल्दी से। 86 बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल। शनि महाराज आपके साथ हैं, शुक्र महाराज आपके साथ हैं, कृपया है उनकी। आप थोड़ा सा क्या करेंगे, अप टू डेट रहने लग जाओ, टिप टॉप रहा करो, बढ़िया क्वालिटी के कपड़े एकदम शानदार तरीके से रहा करो। बस सुबह से शाम तक दो बार कपड़े चेंज करके देखो मित्र, सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। नमो नारायण मित्र, नमो नारायण। बहादुरगढ़ से अगले दर्शक हमारे साथ सुनील कुमारी फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका नारायण भविष्यवाणी में, सवाल कीजिए अपना। चलिए संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर नारायण जी, जिस तरह से हम कह रहे थे कि सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत लोग हैं कहीं ना कहीं आलस्य की वजह रह जाती है कि जिसकी वजह से नहीं हो पाता, या और क्या फैक्टर्स आपको ऐसे नजर आते हैं? देवी जी, क्या है, जैसे अब बहुत सारे बच्चे हैं देखो, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई जुडिशली की तैयारी कर रहे हैं, कोई UPSC, मतलब कहीं ना कहीं वो कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। होता क्या, देखो आपको नींद आने लग जाती है। अगर एक बच्चा वो किताबों को देख करके कहता है अरे वाह, मन खुश हो गया, स्वर्ग मिल गया उसको, टेबल पे जाता है तो उसको मतलब बस अंदर से खुशी मिलती है किताबों को देख करके, भी टेबल पे जा रहा हूँ बस आज तो मैं पढ़ूंगा। एक बच्चा किताबों को देख करके कहता है हे भगवान, आज सारी पढ़नी पड़ेगी ये किताबें, इसका मतलब वहां पर आप मान के चलिए आपका बृहस्पति भी खराब है, आपका चंद्रमा भी खराब है, एजुकेशन तो खराब हो ही रही है। क्योंकि जब आपने किताबों को देख करके ये मान लिया कि अरे आज तो बस पूरा पढ़ना पड़ेगा, अब जो ऐसी फीलिंग जहां आ रही है मान के चलिए आप मंजिल से दूर है मित्र जी। राजपाल हमारे साथ दिल्ली से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है राजपाल, सवाल कीजिए अपना। जी जय नमो नारायण। जी नमो नारायण मित्र जी, मेरा कारोबार अच्छी तरह नहीं चल रहा और मुझे जो है अपने जो है विरोधी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं बेवजह। मित्र पूरा नाम बताइए आपका। जी राजपाल सिंह। कहाँ से बात कर रहे हैं सिंह साहब? दिल्ली से। दिल्ली से, बिल्कुल विरोधी परेशान कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे, जरूर बताऊंगा। एक से लेके 100 के बीच में कोई नंबर बोल दीजिए मित्र। 7 जी। एक कोई भी रंग का नाम और बता दो मित्र। पीला। पीला, क्या बात है नारायण, केतु महाराज, बृहस्पति महाराज, बिल्कुल ना घबराएं मित्र, थोड़ा सा शत्रु बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, थोड़ी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं आपसे मित्र, उनका क्षमा करें। और दोस्त बिल्कुल भागना मत, बिल्कुल डट के खड़े रहना अपनी परेशानी के सामने। और जो भी मित्र हैं, जो नेगेटिव विचारों के मित्र हैं, उनके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। उनका नाम मित्र एक खास उपाय होता है मित्र, पर मैं टीवी पर नहीं बता सकता, बड़ा छोटा सा उपाय होता है, बड़ा सीधा सा होता है, लेकिन टीवी पर बताने में असमर्थ हूँ मित्र, हो सके तो पर्सनली कभी मिलिएगा। फिर भी मित्र आपको कहूँगा, एक दक्षिण दिशा की तरफ तेल का दीपक जलाना तो शुरू कर ही दो, दक्षिण दिशा में घर के अंदर कहीं भी जला दो, और दीवे का मुंह साउथ में कर दो, हर शनिवार जलाना शुरू करो, शत्रु शांत हो जाएंगे और सब कुछ शांत हो जाएगा, काम सब ठीक चल पड़ेगा मित्र। नमो नारायण मित्र।